हेलो फ्रेंड, टेक्निकल फॉरमेन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे मारुति 800 के लॉन्ग टर्म सर्विस के बारे में, समझेंगे पूरा डिटेल में कि लॉन्ग टर्म सर्विस में हमें क्या क्या बदलना होता है और क्या क्या चेक करना होता है। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक तो दोस्तों अवश्य करें। तो अभी मैं बैठा हूँ गाड़ी में, तो शुरुआत करते हैं स्टीयरिंग व्हील से ही। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम स्टीयरिंग व्हील से। तो पहले तो हमें ये चेक करना है हॉर्न बजा के कि हॉर्न सही से बज रहा है कि नहीं। अगर हॉर्न नहीं बज रहा है तो आप ऑटो वायरमैन से दिखाइए और उसको हॉर्न को या तो उसको चेक करवाइए, तो इसका कैप निकाल के इसको चेक करवाइए तो हो जाएगा। उसके बाद आता है स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग को क्या करना है, एक बार अच्छी तरह से घुमा के आपको देखना होता है कि कहीं से स्टीयरिंग में से या तो स्टीयरिंग के नीचे जो दोनों तरफ व्हील के साइड में बोल्ट जॉइंट होते हैं, टायर रोड होता है, इसमें कहीं से नॉइस तो नहीं आ रही है। तो दोस्तों, अगर नॉइस आ रही है तो आपको अच्छे मैकेनिक से अपना गाड़ी का स्टीयरिंग का काम करवाना हो सकता है। इसके बाद दूसरी बारी आती है दोस्तों, हमारी यहाँ पे इग्निशन है, इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड में सारे के सारे वार्निंग लाइट जो है वो सब जल जाते हैं। तो एक तो जो हमारा ऑयल लेवल का है, एक हमारी बैटरी का है और एक हमारा हैंड ब्रेक का है। जैसे ही मैं हैंड ब्रेक को उठा लूँगा तो हो जाएगा ऑन, और जैसे ही मैं इसको नीचे रखता हूँ तो आप देखते हैं बंद हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो पी वाला है वो हमारी हैंड ब्रेक का है, इसको आप इग्नोर करिएगा क्योंकि इसका कोई अहम भूमिका नहीं होता है। और दूसरा बात है दोस्तों, यहाँ पे जो नीचे दिखा रहा है वो हमारा इग्निशन का है। जैसे हम इससे पॉइंट को करते हैं ऑन तो इग्निशन का दिखाता है, और उसके बाद जब हमारी गाड़ी का इंजन दोस्तों सेल्फ लगाने के बाद इंजन जब स्टार्ट हो जाता है तो ये सारे लाइट अपने आप चले जाते हैं। अगर इंजन स्टार्ट में भी कोई लाइट इसमें से दिखा रहा है तो आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि ये वो आपका वार्निंग है। तो आप अच्छे से कोई मैकेनिक को दिखाइए, चाहे आपका गाड़ी MPFI हो चाहे कार्बोरेटर वाला हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सभी में ये सिस्टम जो है सभी में लागू होता है। उसके बाद दोस्तों बात आती है हमारे गियर लीवर की। तो गियर लीवर में दोस्तों आपको देखना है कि कोई ऐसे भी ज़्यादा आपको मूवमेंट वाला चाल नहीं होना चाहिए और ऐसे भी इसमें ऐसे चाल नहीं होना चाहिए। अगर दो उंगली से ये नॉब आपका ऐसे घूम रहा है तो हो सकता है आपका लीवर किट चेंज करना पड़ सकेगा क्योंकि इसके नीचे एक माउंट होता है, इसके बाद इसके अंदर रबर का एक किट होता है दो वॉशर वाला, उसको चेंज करना हो सकता है। उसका वीडियो हमारे ऑटोमोबाइल प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको ये जो हमारा ब्रेक है जिसको हैंड ब्रेक बोलते हैं, इसको भी आपको देखना है कि ज़्यादा ही कुछ ऊपर ले जाके आपका ब्रेक लगता है तो इसको भी थोड़ा सा आप यहाँ से इसके नीचे से खींच के आप कर सकते हैं। इसका भी वीडियो है मेरे ऑलरेडी प्लेलिस्ट में। और इसके बाद दोस्तों बॉडी में एक आता है इंजन का। तो जो अगर आपका साइलेंसर से सुबह में अगर पानी निकल रहा है तो वो आपका इंजन का सही है, इसका मतलब यही, अगर पानी गिरता है तो आपका इंजन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, अगर आप सुबह में गाड़ी शुरू करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, पानी गिरता रहता है यहाँ से नीचे थोड़ी वक्त हो, अगर वो पानी गिरता है तो आपका इंजन का लाइफ अभी बहुत बढ़िया है, यानी कि बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा ये टायर। तो इसका प्रेशर आप हमेशा जो कंपनी ने जो बताया है उस पर तरीके से रखे, या तो कोई आपको जो टायर पंचर वाला उससे पूछ के उसको बोलो कि भाई इसमें क्या होता है प्रेशर, तो अपने आप सेट कर देगा। तो इसका प्रेशर हमेशा कंप्लीट रखें। और इसके बाद दोस्तों होता है इसका जो हमारा ब्रेक अंदर का है, तो आगे में ब्रेक पैड को चेंज समय समय पर करवाना पड़ता है। तो आप
क्या करिएगा, इसको जैक लगा के गाड़ी को उठाने के बाद अंदर से कोई बंदा को बोलो कि भाई ब्रेक लगाए, तो ब्रेक लगाएगा। तो ये व्हील अगर घूम नहीं रहा तो आपका ब्रेक बिल्कुल सही है, बिल्कुल आगे और पीछे दोनों में सेम ही होता है। जैसे आप ब्रेक लगाओगे और जैक लगा के इसको घुमाओगे तो घूमेगा नहीं व्हील, क्योंकि ब्रेक का काम ही ये होता है घूमने नहीं देना व्हील को। और इसके बाद दोस्तों आता है हेडलाइट, तो आप हेडलाइट का लाइट आपका जल रहा है कि नहीं बिल्कुल चेक कर लीजिए। और इसके बाद दोस्तों आता है आगे के दोनों साइड इंडिकेटर, एक यहाँ पे है और एक वहाँ पे है, और यहाँ पे साइड में भी दिए गए दोनों तरफ, और पीछे का जो टेल लाइट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये हमारा टेल लाइट है, तो टेल लाइट में हमें देखना है रिवर्स लाइट भी जलना चाहिए, जो सफ़ेद वाला है हमारा रिवर्स का है, ये हमारा इंडिकेटर है, और जो लाल है वो हमारा ब्रेक लाइट है, ये सभी लाइट ऑन होना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद आता है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, और इसका यहाँ से जैसे आप खोलोगे तो इसका वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे ऑटोमोबाइल प्लेलिस्ट में कि इसको कैसे क्लीन करना है। तो इसका कैप बोला जाता है, तो इसको कैप में ये देखो आप तीन पॉइंट है, इसको क्लीन रखना है, बीच वाला कार्बन है अगर वो ख़त्म हो गया तो नया डालना है। इसके बाद आता है ये हमारा रोटर है, रोटर को भी क्लीन रखना है। और इसके बाद आता है दोस्तों हमारा ये पॉइंट, अगर आपकी गाड़ी पॉइंट वाली है तो आपको पॉइंट को भी बिल्कुल मेंटेन रखना है, यानी कि इसको ट्यूनिंग करना है। कभी कभी क्या होता है इसमें बीच में कार्बन जम जाता है, तो उस कार्बन को रिगमाल पेपर से हमें निकालना होता है। तो दोस्तों यही है, इसके बाद दोस्तों आता है, तो दोस्तों इसके बाद ये तीनों केबल आता है, ये तीनों तीन हमारे तीनों तीन स्पार्क प्लग के केबल है, इसको आपको चेक करना है ऑन है कि नहीं। तो इसके लिए भी वीडियो ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में है ही ऑटोमोबाइल में, तो आप देख सकते हैं। तो ये वायर यहाँ से यहाँ है, तो इसके बाद दोस्तों आता है तीनों तीन स्पार्क प्लग, तो इस तीनों तीन स्पार्क प्लग को समय पर आपको क्लीन कर लेना है। तो इसके बाद दोस्तों आता है हमारा एयर क्लीनर, यानी कि ये एयर क्लीनर है। एयर क्लीनर को क्या होता है, कभी कभी अंदर फिल्टर होता है, समय पर उसको बदलना होता है या तो साफ़ करना होता है, बदलने जैसा है तो आप बदलिए, अगर साफ़ करने जैसा है तो साफ़ कर दीजिए। इसके बाद ये सारे पेट्रोल के पाइप आते हैं, इसको भी हमें चेक करना होता है कि कहीं फट तो नहीं गया। इसके बाद ये सारे जो केबल है, केबल को अच्छी तरह से आप चेक कर ले कहीं से निकल नहीं गया, क्योंकि कभी कभी ऐसी परेशानी होती है जिसमें हमको मालूम नहीं होता। इसके बाद दोस्तों होता है बैटरी इंडिकेटर लेवल, तो अगर बैटरी में आपका पानी बिल्कुल कम होगा या तो खलास हो गया है, तो आपकी गाड़ी आपको बीच रास्ते में कहीं पर भी परेशान कर सकती है, रात में लाइट में भी परेशानी कर सकती है। तो दोस्तों बैटरी के बाद आता है हमारा कूलेंट का लेवल चेक, तो कूलेंट लेवल के लिए यहाँ पे स्पेशल एक टैंक दिया गया है, चाहे कोई भी गाड़ी हो, मारुति 800 हो, अल्टो हो, के कोई भी पुरानी गाड़ी हो नई हो, सभी में ये सिस्टम एक ही प्रकार से होता है, क्योंकि सभी में कूलेंट तो होता ही है। तो कूलेंट का लेवल आपको देखना है, यहाँ से फुल लेवल है, इसको तो फिल करके रखना है। और कभी कभी दोस्तों एक कैप खोलने के बाद हमें इसका कलर आपको देखना है, अगर इस प्रकार से हरा कलर है तो आपका कूलेंट बिल्कुल सही है, अगर आपको लाल कलर देखने मिलेगा तो आपको क्या करना है, रेडिएटर का ये पाइप जो है यहाँ से हटा के, एक नीचे का पाइप है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा उंगली के सामने, वो पाइप हटाने के बाद आपको इसको फ्लैश करना है, अंदर से पानी डाल के पूरा का पूरा कूलेंट का पानी निकाल लेना है। इसके बाद अच्छी तरह से अच्छा वाला कूलेंट जो भी आपको अच्छा लगे वो डाल देना है। और इसके बाद दोस्तों इसके बाद आता है हमारा कार्बोरेटर, दोस्तों अगर आपकी गाड़ी कार्बोरेटर वाली है तो आपको समय समय पर कार्बोरेटर का ट्यूनिंग करवाना हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा दिख रहा सामने पीले कलर का ब्रास का बोल्ट है, वो ये फ्यूल मिक्सचर है, और एकदम बिल्कुल इसके पीछे आप देख सकते हैं ये वाला बोल्ट जो है वो है हमारा एयर मिक्सचर का है। तो दोस्तों कभी कभी समय पर हमें ट्यूनिंग भी करवाना होता है, आप खुद कर भी सकते हैं या तो करवा भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों होता है हमारा ब्रेक फ्यूल लेवल चेक, तो इसमें भी लिखा रहता है मैक्स लेवल और मेन लेवल, तो ये मैक्स है, यहाँ तक आपको इसको हमेशा भर के रखना है, क्योंकि ये अगर ख़त्म हो जाएगा तो आपका ब्रेक सिस्टम काम करना बिल्कुल बंद कर देगा। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा फ्यूल लेवल, तो इसको जैसे ही आप इसका रॉड है इसको खींचेंगे तो आपको फ्यूल लेवल का मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ से देखो दोस्तों आप हमारा फ्यूल लेवल बिल्कुल रेडी है, तो यहाँ पे दो पॉइंट दिए गए, दूसरा पॉइंट जो है हमारा कंप्लीट लेवल है, और पहला जो है वो हमारा इंजन के तक का, अगर यहाँ पे आ गया है तो आपको ऑयल इसमें डालना पड़ेगा, और इसको आप हाथ से ऐसे पकड़ के
इसकी चिकनाई के हिसाब से चेक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही पतला लग रहा है तो आप बदल दीजिए, क्योंकि उसका सबसे अच्छा लेबोरेटरी यही है और कुछ है नहीं इसमें दोस्तों। इसके बाद दोस्तों होता है टापट चेक। अगर आपके टापट में क्लियरेंस में कुछ गड़बड़ है तो वो भी चेक करना हो सकता है, तो मैकेनिक के सिवा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए पूरा ये कवर आपको खोलना पड़ेगा और टापट का सेटिंग पूरा करना होता है। तो दोस्तों इसके बाद जो होता है, तो इसके बाद आता है दोस्तों ये हमारा पानी का टैंक है वाइपर का, तो इसको आप हमेशा पानी से फिल करके रखें, इसमें पानी ख़त्म ना होना दे। और इसके बाद ये जितने सारे केबल है इसके, उसको भी चेक करना है, कहीं से टूट गया तो चूहा काट नहीं गया है, वो ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे वाइपर का जो ब्लेड होता है उसको भी समय समय पर हमें चेंज करना होता है, और इसका आयुष्य ज़्यादा लंबा नहीं होता, 1.5 साल से 1 साल में आपका वाइपर का ब्लेड खलास हो जाता है, वो नया बदलना होता है हर साल। तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, कई गाड़ी में एक भी हो सकता है, कई में दो भी हो सकता है। तो दोस्तों ये हमारी वाइपर ब्लेड जब चलती है तो शीशा को वॉश करने के लिए यहाँ पे स्प्रे का 2 नोज़ल दिया गया है, जो मैंने अंदर आपको टैंक बताया, तो इन नोज़ल को भी चेंज कर लेना है कि इसमें कोई कचरा बचरा फंस तो नहीं गया है, तो साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसके बिना आपका वहाँ से वाटर स्प्रे नहीं होगा, और स्प्रे बिना आपका जो वाइपर चलेगा तो आपके शीशे पे स्क्रैचेस आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप कोई लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो ऐसे फ्यूज़ तो आपको मिल जाते हैं, तो जितने हमारे यहाँ पे फ्यूज़ लगे हैं आप किसी को भी बोलोगे मैकेनिक से, तो आपको पूरा वो लिस्ट बना देगा कि कितने प्रकार के फ्यूज़ आते हैं। ज़्यादातर 20 और 15 के ही होते हैं, ज़्यादा कोई नहीं, एक ही इसमें से 30 का हो सकता है जो हमारी एसी का या तो कुछ होता है, तो आप फ्यूज़ भी साथ में रखा करें, क्योंकि कभी भी अगर रास्ते में आपको गाड़ी कोई तकलीफ दिया जाए तो आपका फ्यूज़ रहेगा तो आप उससे काम चला सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास इतना सारा फ्यूज़ इसमें मैंने रखा है, और वो यहाँ पे रहता है पूरा का पूरा, एक हमारा थैली है इसी अंदर पॉलीथिन में रख देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये सब केयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद दोस्तों ये लीवर वीवर आप देख ले, अगर जाम वाम चल रहा है तो आपका शीशा अगर इसमें से अंदर हार्ड हो रहा है तो इसको ठीक करवाइए दोनों तरफ से। और दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना सही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।